शहर के ऊन पाटिया के शालीमार सोसाइटी के एक मकान में निद्राधीन व्यक्ति को रजाई में घुसकर 3 फीट लंबे रसेल वाइफर सर्प ने डस लिया। मंगलवार को निद्रा में हुई इस घटना के बाद युवती ने बहुत शोर मचाया, जिसे जगे परिजनों ने सर्प को मार दिया और मरे सर्प के साथ युवती को सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपस्थित चिकित्सक भी चीख उठे। मिली हुई जानकारी के मुताबिक ऊन पाटिया विस्तार की निवासी 22 वर्षीय तरन्नुम उस्मान गनी मोमिन घर काम करती है। मंगलवार को रात को भोजन के बाद परिवार के साथ सभी सदस्य तकरीबन सो गए थे। रात को करीब 12 बजे के 5 मिनट पर तरन्नुम को शोर मचाने पर परिजन उठे और तरन्नुम के पास पहुंचे, जहां तरन्नुम की रजाई में से रसेल वाइफर सर्प भागता नजर आया, जिसे देखते ही परिजनों ने सर्प को मार डाला। उसके बाद तत्काल ही मरे हुए सांप को प्लास्टिक की थैली में भरकर पुत्री के साथ सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों को बताया गया कि इसी सांप ने युवती को डसा है। सिविल का स्टाफ तकरीबन 3 फीट लंबा रसेल वाइफर सांप देखकर चौंक उठा। हालांकि तुरंत ही तरन्नुम को भर्ती कर उसका उपचार शुरू कर दिया गया और चिकित्सकों ने उसकी तबीयत सुधार पर होने की बात कही। कैमरामैन अशफाक कुरैशी के साथ परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़, सूरत।